नमस्कार दोस्तों, राजस्थान सरकार ने कोरोना को लेकर एक बार फिर नई गाइडलाइन जारी कर दी हैं, जिसके तहत प्रदेश भर में कक्षा 12वीं तक के जो स्कूल हैं वो 30 जनवरी तक बंद रहेंगे। अब मैं आपको पूरी गाइडलाइन विस्तृत तरीके से सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस गाइडलाइन में जो मुख्य मुख्य क्या बातें हैं वो सारी की सारी चीज़ें एक एक करके बताऊंगा, और उसके बाद पूरी की पूरी जो गाइडलाइन है वो सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि शनिवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से कर्फ्यू रहेगा, वीकेंड कर्फ्यू रहेगा, यानी रविवार को पूरी तरीके से राजस्थान है वो 30 जनवरी तक बंद रहेगा। और इसके अलावा 12वीं तक के स्कूल हैं वो प्रदेश में 30 जनवरी तक बंद रहेंगे। कॉलेज और विश्वविद्यालयों में 50% ही उपस्थिति होगी, और विवाह समारोह में मेहमानों की जो संख्या है वो घटाई गई है, पहले जो 100 की संख्या थी उसे अब 50 कर दिया है। और धार्मिक स्थल जितने भी हैं प्रदेश में वो धार्मिक स्थल सुबह 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक ही खुले रहेंगे। इसके अलावा जो त्यौहार हैं, चाहे लोहड़ी की बात करें या मकर संक्रांति की बात करें, तो वो सारे निरस्त कर दिए गए हैं। अब ये सारे त्यौहार जो है अपने घरों में रहकर ही मनाने होंगे। इसके अलावा प्रदेश में जो दुकानें हैं, शॉपिंग मॉल है, वो रात को 8 बजे तक ही खुले रह सकेंगे, और रेस्टोरेंट जितने भी हैं रेस्टोरेंट में 50% तक ही लोग बैठ सकते हैं। और रविवार को, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि वीकेंड कर्फ्यू रहेगा, अब मैं आपको इसके अलावा जो ये मुख्य मुख्य बातें थी, अब मैं आपको एक एक चीज़ बताने की कोशिश करूँगा। जो सरकार ने आज नई गाइडलाइन जारी की है, इस गाइडलाइन का नाम है महामारी सतर्क सावधान जन अनुशासन दिशा निर्देश। अब सबसे बड़ी बात है कि राज्य के समस्त नगर निगम और नगर पालिका के जो जितने भी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में 12वीं तक की स्कूलें हैं वो बंद रहेगी, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्कूलें हैं कक्षा 1 से लगा करके 12वीं तक की वो खुलेगी, लेकिन शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका क्षेत्र हो या नगर निगम के क्षेत्र हो, वहाँ पर 12वीं तक की स्कूलें हैं वो बंद रहेगी। सबसे बड़ी बात ये थी। और जितने भी कॉलेज और विश्वविद्यालय महाविद्यालय जो हैं, शैक्षणिक कोचिंग गतिविधियां हैं, उनमें 50% तक ही बच्चों को, छात्रों को अनुमति दी जाएगी, लेकिन उसमें भी दो डोज लगे हुए जरूरी हैं। अब विवाह समारोह से संबंधित क्या जानकारी है वो बता दूं कि पहले कोई विवाह में 100 व्यक्तियों की अनुमति थी, जिसको राज्य सरकार ने इस गाइडलाइन के अनुसार कम कर दिया है, अब सिर्फ 50 व्यक्ति ही आ सकते हैं सिर्फ शहरी क्षेत्रों में। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर अभी तक सरकार ने इस गाइडलाइन में कोई जिक्र नहीं किया है। और जहां पर भी विवाह समारोह होगा उसकी वीडियोग्राफी जरूरी है, वीडियोग्राफी करके अधिकारी, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी एवं चुने हुए जनप्रतिनिधियों से भी कोरोना की आचरण एवं सख्त अनुशासन की अपेक्षा सरकार ने की है। विवाह की वीडियोग्राफी करवाई जाए, और जब SDM उसकी वीडियोग्राफी मांगे तो वो उनको उपलब्ध करानी होगी। और अंतिम संस्कार, अंत्येष्टि में 20 व्यक्ति ही जा सकते हैं, ये सरकार की नई गाइडलाइन है। इसके अलावा खेलकूद से संबंधित सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह जो होंगे, सभा, रैली, धरना, प्रदर्शन, जुलूस, मेलों का आयोजन, इनमें अधिकतम 100 व्यक्ति ही नगर पालिका और नगर निगम क्षेत्रों में जा सकते हैं। 30 जनवरी 2022 तक जो 100 व्यक्ति थे अब उनको 50 कर दिया, यानी किसी भी कार्यक्रम में 50 से ज़्यादा व्यक्ति शामिल नहीं हो सकते हैं। और नो मास्क नो एंट्री, ये स्क्रीनिंग, सैनिटाइजिंग, ये सारे के सारे जो पहले नियम थे वो लागू कर दिए गए हैं। धार्मिक स्थल है वहाँ पे सुबह 5 से रात्रि 8 बजे तक ही खुले रहेंगे, ये सरकार ने गाइडलाइन जो नई जारी की उसमें ये बताया है। 13 जनवरी को जो लोहड़ी होगी और 14 जनवरी को जो मकर संक्रांति होगी वो लोग घरों पर रहकर ही मनाएं, ऐसा सरकार ने नया आदेश जारी किया है। व्यावसायिक गतिविधियां, दुकानों को लेकर सरकार ने क्या आदेश दिया है वो मैं बता दूं। रेस्टोरेंट क्लब द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा प्रतिदिन 24 घंटे तक शुरू रहेगी, यानी कि होम डिलीवरी की जो सुविधा है उसको सरकार ने 24 घंटे चालू रखा है। इसके अलावा अगर अंदर बिठाने के, खाना खिलाने की अन्य सुविधा जो है वो 50% तक क्षमता ही होगा, और रात्रि 10 बजे तक ही उनके खोलने की अनुमति होगी। इसके अलावा सिनेमा थिएटर, मल्टीप्लेक्स, ऑडिटोरियम, बैंक्वेट हॉल, प्रदर्शनी हॉल, इसमें 50% तक लोग आ सकते हैं रात्रि 8 बजे तक, और उनमें भी फर्स्ट और सेकेंड डोज लगे हुए होने अनिवार्य हैं। जितनी भी दुकानें हैं शहरों में, शॉपिंग मॉल हैं,
व्यावसायिक व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं वो रात को 8 बजे तक ही खुले रहेंगे, और उसमें भी कोरोना के दोनों डोज जो हैं वैक्सीन है वो भी लगी हुई दुकानदारों के और स्टाफों के ज़रूरी हैं। आर्थिक और पर्यटन गतिविधियों में सरकार ने क्या नया जो नियम है इसमें गाइडलाइन इसमें क्या बताया है, राजस्थान पर्यटन का मुख्य केंद्र है, ऐसे में आइसोलेशन जोन आधारित जो है वो आधार अनुमत किया जाएगा। आइसोलेशन जोन के अंदर ही ये सारी गतिविधियां हो सकती हैं, पर्यटन हो या अन्य प्रकार की जो गतिविधियां होगी। ऐसे में रिसोर्ट होटल परिसर आदि जिनका क्षेत्रफल 4000 वर्ग मीटर या इससे अधिक है एवं मेहमानों की अतिथियों को ठहराने की हेतु 40 या इससे अधिक कमरों की व्यवस्था है वहाँ पर इस प्रकार के कार्यक्रम हो सकते हैं। इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति लेनी होगी। आर्थिक या पर्यटन गतिविधियों को लेकर ऐसी जो होटल हैं जिसमें 40 कमरे हो उसमें ये हो सकता है, लेकिन इस समय भी जिला कलेक्टर से आपको अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा RT-PCR रिपोर्ट 72 घंटों के भीतर की होनी बहुत ज़रूरी है। समस्त अतिथि और मेहमान जो परिसर में एक बार प्रवेश के पश्चात समारोह खत्म होने तक बाहर नहीं जा सकते, यानी पर्यटन से संबंधित या आर्थिक संबंध जो सेमिनार होते हैं उसमें ये सारी गाइडलाइन सरकार ने जो नई गाइडलाइन है वो जारी की है। जन जागरूकता स्वायत्त शासन विभाग द्वारा आमजन में कोविड उपयुक्त व्यवहार डबल डोज वैक्सीनेशन मास्क का अनिवार्य उपयोग 2 गज की दूरी सैनिटाइजर इत्यादि की पालना हेतु जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। तो ये मोटा मोटी जो अब बड़ी बात ये है कि ऐसे में सरकार किन किन चीज़ें जो हैं व्यापारिक गतिविधियाँ उनको अनुमति दी है उसमें उनको टाइम दिया है। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान जो होगा रविवार को कर्फ्यू होगा, शनिवार रात 11 से सोमवार सुबह 6 बजे तक, उसमें अनुमति क्या रहेगी? वेब फैक्ट्रियां जिसमें निरंतर उत्पादन हो, वेब फैक्ट्रियां जो रात्रिकालीन शिफ्ट में चलती हैं, IT दूरसंचार ई कॉमर्स कंपनियां केमिस्ट शॉप विवाह समारोह से संबंधित कोई सामान ले जा रहे या ला रहे हैं तो उनको छूट रहेगी, और अनिवार्य जैसे इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनको छूट रहेगी, उनमें जो कार्यालय में कर्मी लगे हुए उनको आने जाने की छूट रहेगी, वैक्सीनेशन लगाने के लिए अगर आप आ जा रहे हैं तो उनको भी छूट रहेगी, बस स्टैंड रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर जाने वाले यात्री हैं उनको भी छूट रहेगी। बसों में क्या रहेगा, बसों को लेकर मैं आपको बता दूं सबसे बड़ी बात बसों वाली है, इसमें सिटी बसों मिनी बसों का संचालन प्रातः 5 बजे से रात्रि 11 बजे तक अनुमत होगा। किसी भी यात्री को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। संपूर्ण प्रदेश में प्रतिदिन रात्रि 11 से सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा। तो मुख्य रूप से ये सरकार ने जो नई गाइडलाइन जारी की है इसमें जो सरल तरीके से मैंने आपको सारी की सारी चीज़ें वो है वो समझाने की कोशिश की है। जो स्कूलें बंद है 12वीं तक की वो शहरी क्षेत्रों में हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में बंद करने के अभी तक सरकार ने जो है वो आदेश या इसी प्रकार की कोई जो गाइडलाइन है वो जारी नहीं की है, और रविवार को तो पूरे प्रदेश में जो है वो वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये जो नई गाइडलाइन है कोरोना को लेकर ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंचे। अगर आपने वीडियो अभी तक शेयर नहीं किया है तो शेयर जरूर करें, और दूसरी हमारी आप सभी हमारे दर्शकों से एक अपील है कि कोरोना की गाइडलाइन की पूरी तरीके से पालना करें। अगर आपने वैक्सीन नहीं लगाई है तो वैक्सीन ज़रूर लगाएँ, और घर से जब भी आप बाहर निकलें या घर में भी हैं तो मास्क अनिवार्य रूप से लगा कर रखें।